तलाशी जा रही है। तो एक बार फिर से सलमान खान को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी दी गई है एक्टर सलमान खान को, और वर्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। नंबर से जुड़ी जानकारी अब तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। तो ये पहला मामला नहीं है जब सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली हो। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लगातार सलमान खान को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं मुंबई पुलिस में, और इसके बाद अब ये कॉल जो आया है इसमें भी जान से मारने की धमकी है, और ये लिखा गया है कि बिश्नोई समाज से माफी मांगी जाए और कुछ रकम की भी मांग की गई है। हम आपको बता दें कि अब पुलिस छानबीन में लगी हुई है कि आखिरकार ये नंबर किसका है। सलमान खान अभी अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं, तो वर्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वर्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है, और सलमान खान हम आपको बता दें कि इस वक्त अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं हैदराबाद में। हमारे साथ इसी खबर पर अभिषेक मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक नहीं दो नहीं तीसरी बार अब ये थ्रेटेंड वाला कॉल आ गया है। बिल्कुल, या यूं कहें कि अब लगातार ऐसी घटनाएं जो लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि एक बात ये भी सामने देखने को मिल रहा है जो अब तक जो धमकी आई हैं उसमें जो लोग भी पकड़े गए हैं वह कहीं न कहीं वह सोशल मीडिया के जरिए यह बताने का प्रयास कर रहा है, सुर्खियां बटोरने का लगातार प्रयास कर रहा है। देखिए, कोई सब्जी वाला है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई ये कहता है कि उसको उनके किसी मोबाइल के और लेके कोई फ्रैंक कर दिया, कोई महिला करती है कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती। तो ऐसे कई सारे कॉल लगातार आ रहे हैं, बिल्कुल, जिसके वजह से वह सिर्फ सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं वो लोग, सभी के सभी इतने बड़े क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान के मामले को लेकर जिस तरीके से पुलिस इस वक्त बहुत सक्रिय है, और कहीं पर भी ऐसी कोई धमकी भरा मैसेज या फोन आ रहा हो और उसको हल्के में नहीं लिया जा रहा है, उन्हें समझना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। और जिस तरीके से देखिए, इसमें भी जो मैसेज आया हुआ है इसमें 5 करोड़ की उगाही की बात की गई है कि 5 करोड़ रुपया दिया जाए उसके, नहीं तो इनको जान से मार दिया जाएगा। जिस तरीके से और साफ साफ फोन करने वाला यह कह रहा है कि लारेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा हूं, जो मैसेज किया है मैसेज में यह लिखा हुआ है कि लारेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा हूं, और अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो वह हमारे मंदिर जो बिश्नोई समाज का मंदिर है राजस्थान में वहां पर आकर माफी मांगे, वरना उन्हें जान से मार